आज हम होममेड कुरकुरे बनाएंगे। ये एकदम क्रिस्पी बनके तैयार होंगे। ये बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी को पसंद आते हैं। नमस्कार, मैं प्रीति प्रीति सैफ्रॉन में आपका स्वागत करती हूँ। यदि मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। चलिए अब हम देखते हैं कि कुरकुरे कैसे बनाते हैं। कुरकुरे बनाने के लिए हम सबसे पहले एक मिक्सिंग बॉल लेंगे। इसमें हम आधा कप चावल का आटा लेंगे। चावल का आटा आसानी से मार्केट में मिल जाता है। 2 टेबल स्पून हम बेसन डालेंगे। 1 टेबल स्पून हम गेहूं का आटा डालेंगे। 1/2 चम्मच हम बेकिंग सोडा डालेंगे और इसमें हम नमक टेस्ट के अनुसार डालेंगे। अब हम थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका बैटर तैयार करेंगे। इसमें हम लगभग 1 कप पानी डालेंगे। ये देखिए बैटर हमारा तैयार हो गया है। इसमें कोई भी लंप नहीं है, एक स्मूथ बैटर बनके तैयार हुआ है। अब हम बैटर को 10 मिनट रेस्ट के लिए रख देंगे। बैटर को रखे हुए 10 मिनट हो गए हैं। अब हम एक पैन लेंगे। पैन में हम 1 चम्मच रिफाइंड ऑयल डालेंगे। अब हम इसमें बैटर को डाल देंगे। गैस की फ्लेम को मीडियम कर देंगे और लगातार चलाते हुए हम बैटर को गाढ़ा होने तक पकाएंगे। बैटर देखिए हमारा गाढ़ा हो गया है। अब हम इसमें 1 चम्मच बटर डाल देंगे। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। बैटर हमारा एक सॉफ्ट डो की तरह तैयार हो गया है। अब हम गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे और इसको एक बॉल में निकाल कर ठंडा करेंगे। डो हमारा ठंडा हो गया है। अब हम इसमें 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर मिलाएंगे। आप कॉर्नफ्लोर की जगह अरारोट भी मिला सकते हैं। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। कॉर्नफ्लोर को हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम हाथों में थोड़ा सा ऑयल लगा लेंगे जिससे डो हाथों में चिपकेगा नहीं। अब हम छोटी छोटी बॉल बनाएंगे। हाथों के साथ इस तरह चिकना करेंगे और फिर फिंगर के बीच में रख के हम इस तरह से लंबा करेंगे। इसी तरह से हम सारे कुरकुरे बनाएंगे। कुरकुरे हमने बना लिए हैं। अब उनको हम डीप फ्राई करेंगे। इसके लिए हम एक पैन में ऑयल लेंगे। ये मैंने रिफाइंड ऑयल लिया है। रिफाइंड ऑयल हमारा गर्म हो गया है। अब हम इसमें कुरकुरों को डालेंगे। गैस की फ्लेम को हम लो मीडियम ही रखेंगे और एकदम अभी हम नहीं छेड़ेंगे, थोड़ा सा सिकने देंगे। नीचे से हमारे क्रिस्पी हो गए हैं कुरकुरे। अब हम इनको पलट लेंगे और गोल्डन ब्राउन होने तक सेक लेंगे। कुरकुरे हमारे गोल्डन ब्राउन हो गए हैं। अब हम इनको निकाल लेंगे। इसी तरह से हम सारे कुरकुरों को डीप फ्राई कर लेंगे। हमने कुरकुरों को फ्राई कर लिया है। यदि बच्चे ऐसा खाना चाहें तो आप ऐसे ही सर्व कर सकते हैं, नहीं तो इसमें हम थोड़े से मसाले मिलाएंगे। अब इसमें हम 1/4 चम्मच चाट मसाला मिलाएंगे, 1/4 चम्मच लाल मिर्च पाउडर मिलाएंगे। यदि आप और तीखा कुरकुरे खाना चाहते हैं तो इसमें और मसाले ऐड कर सकते हैं। अब हम इन सभी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम कुरकुरे सर्व करेंगे। हमारे कुरकुरे बनके तैयार हैं। ये देखिए कितने क्रिस्पी बनके तैयार हुए हैं। आप इसे बनाकर बच्चों को और बड़ों को सर्व करें। मेरी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम अगली रेसिपी के साथ आपसे मिलते हैं। नमस्कार।